वहीं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान में सबसे ज्यादा वन्य जीवों के प्रजनन का केंद्र बन गया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में करीब 25 प्रजातियों के वन्य जीव रहते हैं, जिनमें से 23 प्रजातियों के वन्य जीवों का प्रजनन बायोलॉजिकल पार्क में चल रहा है। आने वाले दिनों में ये बायोलॉजिकल पार्क नए रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए, बायोलॉजिकल पार्क होगा गुलजार, 23 प्रजातियों का ब्रीडिंग का, राजस्थान के वन अभयारण्य जंगली जीवों की आरामगाह है। उनमें भी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क इन जीवों के प्रजनन के लिए माकूल साबित हो रहा है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ने प्रजनन में कई रिकॉर्ड बना दिए हैं। राजधानी जयपुर के जू से वन्य जीवों के लिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट होने के बाद पहली बार मादा लॉयन और मादा टाइगर का प्रजनन हुआ। साल 2017 में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क बनकर तैयार हुआ था। पार्क में पहली बार तेजिका लॉयन ने 5 बच्चों को जन्म दिया, तो वहीं रंभा टाइगर ने 3 बच्चों को जन्म दिया था। इस बायोलॉजिकल पार्क में मादा भालू का 2 बार प्रजनन हो चुका है, तो वहीं पार्क में पहली बार चौसिंगा हिरण प्रजाति के जीव ने 2 बच्चों को जन्म दिया। यही नहीं बल्कि दूसरी मादा चौसिंगा भी जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। लगातार नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क वन्य जीवों के प्रजनन के रिकॉर्ड बन रहा है। इस पार्क में पिछले साल पहली बार भारी भरकम हिप्पो ने बच्चे को जन्म दिया था, तो वहीं दूसरी बार भी हिप्पो बच्चे को जन्म देने को तैयार है, जिसके चलते वन विभाग ने मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ने पहली बार मगरमच्छ के प्रजनन का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। पार्क में मगरमच्छ ने 11 बच्चों को जन्म दिया, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। मगरमच्छ के सभी बच्चे स्वस्थ हैं, तो वहीं पानी का तालाब बड़ा होने की वजह से सभी मगरमच्छों को रहने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाता है। पार्क की टीम इन मगरमच्छों पर निगरानी रखती है। जैसे जैसे ये मगरमच्छ बड़े होंगे, उन्हें अलग अलग जू या बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पार्क में वन्य जीवों के लगातार प्रजनन के रिकॉर्ड के पीछे वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की सजगता की काफी तारीफ हो रही है। जल्दी बायोलॉजिकल पार्क में हिप्पोपोटामस खुशखबरी देने की कगार पर है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। दूसरा होक डियर भी चांसेस पूरे पूरे हैं इसमें, चौसिंगा भी उसका प्रजनन पूरा हो रहा है। जो लगभग बायोलॉजिकल पार्क प्रजनन केंद्र लगभग सभी प्रजातियों को बनता जा रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इस बार वुल्फ ब्रीडिंग के लगभग 5 जोड़े हमने बनाए, जिसमें लगभग ज्यादा से ज्यादा इस बार वुल्फ होने की संभावना है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 25 प्रजातियों के वन्य जीव रहते हैं, जिनमें से 23 प्रजाति के वन्य जीवों का प्रजनन हो रहा है। सर्दियों में वन्य जीवों के प्रजनन होने की खुशखबरी मिलना शुरू हो गई है। सबसे पहले मादा भालू ने 2 बच्चों को जन्म देकर खुशखबरी दी है, तो वहीं इस सप्ताह हिप्पो भी बच्चे को जन्म दे सकती है। वन कर्मी इन वन्य जीवों की मेडिसिन, सुरक्षा और खान पान पर विशेष निगरानी बनाए हुए हैं। वन कर्मियों की देखभाल के चलते नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क वन्य जीवों के प्रजनन के लिए मुफीद जगह बनता जा रहा है। यहाँ के कर्मचारियों के प्रयासों के चलते प्रदेश के कई अभयारण्य और चिड़ियाघर आने वाले दिनों में अलग अलग प्रजाति के जानवरों का घर बन सकेंगे। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।